हेलो किसान भाइयों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से घर में बगीचे चैनल में और मैं हूं पंकज मौर्य। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल जो होती है अधिकतम पैदावार उसकी कैसे ले सकते हैं, क्या खाद डालें, क्या दवाई डालें, कैसे बुआई करें। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप भी इस तरह से आलू का बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। भाइयों, आलू की फसल का एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, उसमें बुआई कैसे करनी है, उपचार कैसे करना है, बीज कैसा लेना है, ये सभी बातें बता चुका हूँ, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करता हूँ इसका भी वीडियो आप तक पहुँच गया होगा। अगर नहीं पहुँचा है तो इस वीडियो के अंत में दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो भाइयों, आज हम कुछ बेसिक जानकारी के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर किसान भाई नहीं करते हैं और सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उत्पादन बहुत ही कम होता है या अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। भाइयों, ये बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जल्दी कोई शेयर नहीं करता है, खुद ही प्रैक्टिकल करके हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए फसल खड़ी हुई है हमारी, तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। आप यह फसल तो देख ही रहे हैं, मैंने इसमें जो कुछ भी किया है वह सब बताने वाला हूँ। यह फसल आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाइयों, पहली बात आपको क्या ध्यान देनी है, जब आप फसल बोते हैं और उस समय अच्छे बीज का चुनाव करें और कोशिश करें कि बीज किसी अच्छे व विश्वसनीय जगह से ख़रीदें। मैंने यह बीज सिद्धिविनायक कंपनी से चिप्सोना वन प्रजाति का लिया था और उसके बाद बीज को काटकर उसे पहले किसी अच्छे फंगिसाइड यानी फफूंदी नाशक दवा से उपचारित कर लें, जिससे जो है फसल में आगे कोई फफूंदीजनक जो रोग होते हैं वो रोग ना लगें या उनकी संभावना जो है कम हो जाए। और दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, जब आप आलू के बीज को फफूंदी नाशक से उपचारित कर लें उसके आधे घंटे बाद आप बीज को PSB कल्चर से ज़रूर उपचारित करें, या PSB कल्चर घुलनशील या पाउडर फार्म दोनों में ही मिल जाता है, तो आपके क्षेत्र में जो भी अवेलेबल हो उससे आप उपचार जरूर करें। इसमें फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी फसल में खेत में जो आपने DAP दिया है या सुपर फास्फेट दिया है उसको पौधों के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कंद बहुत तेज़ी से बनते हैं और उनका विकास बहुत अच्छे से होता है। यदि आपको PSB कल्चर ना मिले तो आपको अपने खेत में आलू की फसल के लिए DAP या सुपर फास्फेट की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर डालनी है, या कोई बताता नहीं है पर यह प्रैक्टिकल किया हुआ फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी ज़रूर करके देखना। PSB कल्चर की ना होने की दशा में आपको बुआई के समय DAP की मात्रा सीधे 1.5 गुनी डालनी है, यानी कि लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP आपको देना ही देना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अधिकतम उत्पादन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आलू की फसल फास्फोरस का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करती है। कल्चर से उपचार कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। और अगला जो ध्यान देना है वो ये है कि जैसे ही आपकी फसल एक महीने की हो जाए आपको रेडोमिल गोल्ड जो दवा आती है, ये देखिए इस दवा से, इसमें 20 पुड़िया होती हैं अंदर 1 किलोग्राम के पैकेट में, तो इसका एक पैकेट प्रति टंकी के हिसाब से घोल बनाकर आपको स्प्रे जरूर करना है एक महीने की फसल होने पर। और दूसरा जो स्प्रे करना है वो 45 से 50 दिन की जब फसल आपकी हो जाती है उस समय करना है। ये दो छिड़काव बहुत ही ज़रूरी हैं, इससे फसल की पत्तियाँ एकदम खुली खुली रहती हैं और ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं, जिससे कंद और पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है। अगला ध्यान देना है आपको, अगली जो बात है कि आलू के जो फसल होती है उसमें खरपतवार बिल्कुल ना होने दें, और एक महीने की फसल होने के बाद से 40 दिन तक आपको अपने खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनाकर रखनी ही रखनी है, जिससे आलू के कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है। सिंचाई हल्की करें पर जल्दी जल्दी करनी है। दीमक से बचाव के लिए दवा आपको बुआई के समय ही दे देनी है। अगर आपको कोई कीट दिख रहा है फसल में तो आपको एक छिड़काव कीटनाशक दवा का स्प्रे करना पड़ सकता है, इसके लिए फसल की नियमित देखभाल जरूर करें। और किसान भाइयों, आप आलू की फसल में जब फसल 30 से 35 दिन की या 40 दिन की हो जाती है उस समय आपको यूरिया के साथ सल्फर मिलाकर प्रयोग जरूर करना है। और अगर आपके आलू में थोड़ा कमज़ोर दिख रही है फसल या पीलापन दिख रहा है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो बैग आता है उसको आपको जरूर डालना है, किसी भी नाम से आपको मिल जाए लेकिन वो सूक्ष्म तत्व का पैकेट जो होता है वो आपको जरूर देना ही देना है। किसान भाइयों, चिकनी मिट्टी में आलू की फसल अच्छी नहीं होती है, इसलिए भूमि ऐसी चुनाव करें जहाँ पर आपके जो मिट्टी है वो बलुई दोमट हो या फिर बलुई मिट्टी हो, वहाँ पर फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। तो भाइयों, ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स जो आप अपनाकर बहुत अच्छा फसल का उत्पादन ले सकते हैं। अगर हमसे कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।